आपको बताऊंगी। पॉलीफाइबर एक इस तरह से मार्केट में मिलता है, ये देखिए इस पर एक शीट लगी होती है, इसको जस्ट लाइक शीट को इस तरह से रिमूव कर देते हैं। इस तरह से एंड बैक साइड भी रहती है इस तरह से। ये देखिए एक एक्रिलिक शीट हमारे सामने आ जाती है और इस पे भी ये कलर हम यूज़ करते हैं, कैमल ग्लास कलर्स हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये देखिए इस साइड से, इस साइड से। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं लाइनर, गोल्ड लाइनर, ग्लास लाइनर आते हैं, सिल्वर लाइनर, ब्लैक लाइनर, इस तरह से हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी और आप अपने बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं और उनको कटने या किसी तरह का इंजरी होने का भी डर नहीं रहता। इसमें पॉलीफाइबर और लाइट वेट भी होता है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। सिंपल सा कोई भी एक पिक्चर या कुछ भी फ्लावर कोई भी आप ले सकते हैं और उसको आप इस तरह से काट ले सकते हैं। उसको आप जस्ट लाइक इस तरह से उसको रख दीजिए, इस तरह से ऐसे। आपको नीचे का पूरा इम्प्रेशंस दिख रहे हैं और आप इससे 3D लाइनर से इसको पहले लाइन कर लीजिए इस तरह से। फिर आप इसको आराम से सूखने के लिए रख दीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं जो आप इजीली किसी भी नीचे इम्प्रेशंस लगा करके और सिर्फ पेंसिल से लाइनर की मदद से इस तरह से 3D लाइनर लेकर के आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। पहले आउटलाइन बना लीजिए इस तरह से, फिर उसके बाद बीच में कलर भर लीजिए। कलर भी बहुत सिंपल है, सिंपल सा जस्ट लाइक जैसे मैंने ब्लैक कलर लिया, ब्लैक कलर लेकर के ड्रॉप से इसमें ऐसे हो जाता है, ड्रॉप्स लगा के और इसको ऐसे करके फैला दिया जाता है, सिंपल सा। तो ये बच्चे आराम से कर सकते हैं और इंजरी का कोई ख़तरा नहीं है इसमें। ये देखिए इस साइड से ऐसे बना सकते हैं आराम से। ऐसे मैंने और भी पेंटिंग बना के रखी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आपको शायद आइडिया मिल जाए इस तरह से। Just like this.